फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशनीस क्विजिन। आज हम लोग बनाने वाले हैं शेजवान सॉस। ये बहुत ही इजी रेसिपी है, बहुत जल्दी बन जाता है फ्रेंड्स। पता है फ्रेंड्स, लास्ट टाइम जैसे मेरा किट्टी था तो उसमें चाइनीज थीम था और मुझे चाइनीज चॉपसी और शेजवान फ्राइड राइस बनाना था जिसमें शेजवान सॉस की बहुत जरूरत होता है। तो मैंने लार्ज क्वांटिटी में बनाया था, फिर भी वो खत्म हो गया। तो फिर मैंने सोचा कि नेक्स्ट टाइम मैं जब ये बनाऊंगी तो इसका रिकॉर्डिंग भी कर देती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज लाइक बटन पे प्रेस कीजिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। तो इसके लिए मैंने लिया है होल रेड चिली, उसको मैंने गर्म पानी में करीबन 30-40 मिनट सोक करके रख दिया था। और उसके साथ चॉप जिंजर, चॉप गार्लिक, फिर हमारा टमाटो सॉस, सॉल्ट, शुगर, सोया सॉस, विनेगर, फिर ब्लैक पेपर पाउडर। और इसमें मैंने तिल का ऑयल लिया है। कोई भी चाइनीज डिश में आप तिल का ऑयल यूज कीजिए, उससे उसका फ्लेवर बहुत ही अच्छे से बढ़ जाता है। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया, इसमें मैंने अभी चॉप गार्लिक ऐड किया है और इसको थोड़ा सा हम ऐसे ही लाइट गोल्डन कलर होने तक सॉटे करेंगे। मैं अभी जिंजर ऐड कर देंगे और इसको भी थोड़ी देर ऐसे ही सॉटे कर देते हैं। अभी रेड चिली पेस्ट मैंने इसमें ऐड किया है। वो जो रेड चिली मैंने भिगोया था जिस पानी में, उसी पानी से ही मैंने इसका पेस्ट बना दिया और इसको अच्छे से मिला देते हैं। इसमें थोड़ा सा मैं पानी ऐड कर रही हूँ ताकि इसको हमें कुक करना है थोड़ी देर और ये ड्राई ना हो। और इसको ऐसे ही धीमे आंच में थोड़ा पकने देते हैं। कितना बढ़िया कलर आया है। अभी इसमें मैं थोड़ा सा सोया सॉस, विनेगर, ब्लैक पेपर, सॉल्ट, शुगर और टमाटो सॉस ऐड किया है। आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा ऑनियन भी ऐड कर सकते हैं या फिर सेलरी ऐड कर सकते हैं। इसको अच्छे से मिला देते हैं और ऐसे ही धीमे आंच में थोड़ा सा कुक होने देते हैं। अब हमारा बन गया है, मैं आपको दिखाती हूँ इसका टेक्सचर, देखिए। और ये काफ़ी दिन तक अगर आप फ्रिज में रखेंगे ना, बहुत दिन तक ये रहेगा फ्रेश। और काफ़ी सारे चाइनीज डिशेस में ये यूज होता है, चटपटा रहता है, थोड़ा सा तीखा रहता है, बहुत ही अच्छा लगता है।